भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। जय संगीत। नमस्कार, निराला संगीत सदन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये सावन का महीना है, इस सावन के महीना में लाखों करोड़ों लोग देवघर जा करके बाबा के दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते। इस बार ये इस महामारी के चलते हो सकता है कम श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हों, फिर भी मन में भावना सभी लोगों के पास है। आज मैं खास करके एक भोले बाबा का गीत सुना रहा हूँ, जिसका धुन सभी लोगों को सुना हुआ है, सभी लोग इस धुन को सुने हुए हैं लगभग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और उसी के धुन पर मैं भोलेनाथ का एक गीत सुना रहा हूँ। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करें। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि कण कण में शिव हैं, शिव ऐसा कहाँ है जो नहीं है। आप घर में रहकर से गीत को गाएंगे और अनुभूति करेंगे, जब हम देवघर की झांकी दिमाग में लाएंगे तो आपको लगेगा जो हम देवघर में ही हैं। मैं उसी धुन पर ये भोले बाबा का गीत सुना रहा हूँ। एक स्थायी अंतरा के बाद मैं इसे बताऊँगा, फिर पूरा गाना भी सुनाऊँगा, इसलिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, तभी आपको अच्छा आनंद मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे भोले दामी, भोले दानी, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से हर काम हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से हर काम हो रहा है। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपों में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपों में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। ओ तेरे समान दाता दाता, तेरे समान दाता दुनिया में अब कहाँ है। तेरे समान दाता दुनिया में अब कहाँ है।
करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है भोलेनाथ की कृपा से, हर काम हो रहा भोलेनाथ की कृपा से, हर काम हो रहा। देखिए, मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ, वैसे जो लोग कमेंट करते हैं, हम तो राग का क्लास देते हैं, राग में तो बहुत कम कमेंट आता है, लेकिन गीत में ये होता है जो पटरी का स्वर लिपि लिखे हैं, तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, वो पटरी देख करके, सुन करके, गा करके सीखने की कोशिश करें, नहीं तो जिसका स्वर लिपि लिखा हुआ मिलेगा उतना ही गाना बजा पाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगा पाएंगे। आज देखिए, मैं इस गाना को खास करके इसका सा हमने इस मो को बना दिया है, तो अगर हम सा बोलेंगे ये बजेगा तो मो, अब मो का हम बोलेंगे तो आप अपना मो से ले लेंगे, इसीलिए इसको सा बनाए हैं। अब देखिए इसको सुनो, मैं पहले बीच में पटरी बता देता हूं, तो हाँ ये गाना सुनाऊंगा। भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। अब यहाँ तीन चार पटरी स्लो में लगा, इतना देख करके और अंदाज करके दिमाग लगा कर नहीं बजाएंगे, तो फिर संगीत संगीत शॉर्टकट नहीं कोशिश करें, संगीत को समुद्र ही रहने दें, ये समुद्र है और समुद्र में से हम पर आप पर निर्भर करता है, उसमें से कितना निकाल सकते हैं, तो इसको कोशिश करके, मेरा हर वक्त ये प्रयास है, मैं भी चाहता हूँ जो आप लोग भी इसको कोशिश करके ऐसा करें। आप इसको हम इससे गाना शुरू किए हैं, ये सा गाना दिए हो गया, सरगम लिखेंगे थोड़ा उठपटान हो जाएगा, इसलिए देखिए। आप देखिए इसको लय में तो गाना ही है, एक लाइन मैंने गाया है, और शेष लाइन भी मैं पीछे सुना दूंगा, और ये भी बात स्पष्ट है, इसमें केवल धुन बजते हैं, इसमें गीत के शब्द नहीं बजते हैं, नहीं तो ये गाना ओरिजिनल धुन धुन है इसका। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अगर शब्द बजता, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अब मेरा आपकी कृपा बोले, भोलेनाथ की कृपा बोले, ये धुन एक ही हुआ तो पटरी एक ही लगेगा, और एक जी और जान लें, एक अंतरा जैसा एक अंतरा इसका हुआ, इसमें अगर पांच लाइन भी गाना है, 10 लाइन का भी अंतरा है, पहला जो गीत का लाइन है तो होता है उसको अस्थाई बोलते हैं, और उसके बाद अंतरा नंबर 1 2 3 4 5 जितना बड़ा गाना होता है उसके अंतरा का नंबर बढ़ता है, तो सारा में पटरी वही लगता है, गीत के शब्द अलग होते हैं, अगर इसमें शब्द बजता तो हर एक शब्द का हर एक अलग पटरी होता, इसीलिए अगर आपको ये गाना, हम जो पूरा गाना गा रहे हैं, ये गाना पसंद आए तो ये गाना गा दें, या फिर वो ओरिजिनल जो है वो गावे, या और किसी भगवान के नाम पर गाना हो उसको भी गा सकते हैं, धुन तो यही रहेगा, पटरी वही बजेंगे, इसलिए स्लो में पटरी, अंतरा का भी पटरी में दिखा रहा हूँ, तब उसके बाद शेष अस्थाई अंतरा का गीत सुनाऊंगा, काहे तो अभी ये भोलेनाथ की कृपा से हम शुरू किए हैं, तो भोले बाबा का ही पूरा गाना पूरा करूंगा, मैं समझाने के लिए वो बोल दिया हूँ। अब अंतरा देखिए, तो यहां से आप हम बोले हैं, तेरे छत्र के भरोसे, क्या है, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है तेरे, इतना ही पटरी है, गीत के लय में उसको बोलना है, इसलिए ऐसा बुझाता है, पटरी बहुत कम लगता है इस गाना में, और मैं
अभी तक जो कोशिश किया हूँ, जिनका उंगली पूरा फास्ट नहीं हुआ वो भी होगा, वो लोग इसको बजा सकते हैं। इसलिए गाना खोज खोज कर मैं बहुत स्लो पटरी कम स्वर लगने वाला गीत सब बता रहा हूँ। धीरे धीरे फिर आगे फास्ट भी बताऊँगा। आपका भी उंगली तैयार होगा, आप उसे सीख पाएंगे, तभी तो मेरा बताना सार्थक होगा। इसीलिए देखिए, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। अब उसी सेम पटरी लेगा, सीपों में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। अभी 2 लाइन का अंतरा हो गया। अब यहां से जो तीसरा लाइन आता है, वो हर एक गाना में लगभग जो पहले लाइन हम लोग गाते हैं अस्थाई, उसी तरह का होता है। यहाँ थोड़ा सा धुन है गीत का, अब साहब पर चले आए। तेरे समान दाता, ये कैसा हुआ? भोलेनाथ की कृपा से। तेरे समान दाता दुनिया में अब कहाँ है, तेरे समान दाता दुनिया में अब कहाँ है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है भोलेनाथ की कृपा से, हर काम हो रहा भोलेनाथ की कृपा से, सब काम हो रहा। आप देखिए, आप तो स्वर देख लिए हैं, उसी स्वर में आप 2 अंतरा और बाकी है, उसको भी एक सुना रहा हूं। देना है तेरी फितरत सबसे बड़ा तू दानी, देना है तेरी फितरत सबसे बड़ा तू दानी, दुनिया से ना छिपी है तेरे दान की कहानी, दुनिया से ना छिपी है तेरे दान की कहानी। अमृत का दान देकर, अमृत का दान देकर विष को तू ढो रहा है, अमृत का दान देकर विष को तू ढो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा। मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है, खुशियों के आंसुओं में मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। अब भक्त शिव के होते, अब भक्त शिव के होते क्यों दर्द रो रहा है, अब भक्त शिव के होते क्यों व्यर्थ रो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से,
सब काम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। धन्यवाद।